गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण एक विकट समस्या, इसके साथ साथ यहाँ पे भ्रष्टाचार एक विकट समस्या। तो यहाँ पे हम भ्रष्टाचार एक विकट समस्या, ये जो निबंध है ये निबंध हम देखेंगे। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है और व्याकरण उसमें जितना भी 50 अंकों के पेपर में है वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। समानार्थी, विरोधी, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समास भी मैंने आपको लिखवा दिए। तो ये सब यहाँ पे हमारा हो चुका था। अब यहाँ पे निबंध हम दो एक देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे भ्रष्टाचार एक विकट समस्या, उसमें सबसे पहले यहाँ पे मुद्दे दिए निबंध। निबंध क्या होता है बच्चों, ये पाठ जैसे दिखाई देता है लेकिन वो क्या, जो मुख्य मुद्दा होता है वो मुख्य मुद्दे मुख्य बात के साथ जो विषय होता है उसके साथ उसी के ऊपर हमें लिखना होता है। मतलब एक मुद्दे के भीतर बंद किया हुआ, एक मुद्दे के भीतर बंद किया हुआ। अब रूपरेखा तो यहाँ पे जैसे कि मुद्दे आपको दिए हुए हैं, भ्रष्टाचार का अर्थ व उसके रूप, हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना लिखनी है, अर्थात भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार के प्रमुख मुख्य कारण कौन कौन से हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय हम कौन कौन से कर सकते हैं, सदाचार को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता, मतलब अच्छे विचारों को, अच्छी धारणाओं को अगर पुनर्स्थापित कैसे हम कर सकते हैं, और उसके बाद उपसंहार। तो उपसंहार जो है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, उससे हमें क्या सीख मिलती है, अर्थात हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में। अब सबसे पहले भ्रष्टाचार, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो में ये आपको स्पष्ट दिखाई देता है वैसे वैसे यहाँ पे आपको लिखते जाना है। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट और आचार दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरा व्यवहार, अर्थात मार्ग से भटका आचरण। आधुनिक युग में मनुष्य स्वार्थी बनकर रह गया है, उसके प्रत्येक कार्य में अपना व अपनों का स्वार्थ छिपा होता है। आज जहाँ भी दृष्टि जाती है हम अपने चारों ओर उसी स्वार्थ की संतान अर्थात भ्रष्टाचार को फैला पाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये प्रस्तावना हेडिंग लगा के प्रस्तावना में लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ करके भ्रष्टाचार के कारण ही समाज, सरकार, कार्यालयों आदि में बेईमानी, मिलावट, छल, रिश्वतखोरी आदि का बोलबाला है। वर्तमान युग में, अब मध्य हिस्सा यहाँ पे, वर्तमान युग में भ्रष्टाचार ने अपने पैर चारों ओर पसार लिए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार रूपी दानव को जन्म दिया और उसे पाल पोस रहे हैं। इसी कारणवश आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। इनमें से मुख्य रूप से राजनीति भ्रष्टाचार, व्यावसायिक भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार चिंता के विषय हैं। भ्रष्टाचार के भी प्रकार हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत, अब यहाँ पे हेडिंग लगाना है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार किसे कहते हैं बच्चों, उसके बारे में लिखेंगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में बाबू से लेकर उच्च अधिकारी तक बिना रिश्वत के कार्य करने के लिए राजी नहीं होते। अमीर व्यक्ति तो फटाफट रुपए देकर अपना काम करवा लेता है और बेचारा गरीब व्यक्ति एक मेज से दूसरी मेज तक कर्मचारियों के हाथ आगे हाथ जोड़ता रहता है। रुपए पैसे के बल पर कोई भी अनैतिक कार्य करवाया जा सकता है। यदि आप रुपए नहीं दोगे तो आपकी फाइल एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं पहुँचेगी, फिर चाहे आपको कितना ही जल्दी या आवश्यकता क्यों ना। ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार। उसके बाद हेडिंग लगाना है राजनीतिक भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, उसमें लिखेंगे राजनीतिक भ्रष्टाचार के तो कहना ही क्या, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के गलत हथकंडों का सहारा लिया जाता है। चुनाव जीतते ही नेता जनता को कई कहे गए वादे भूल जाते हैं और अपने जेबें भरने में जी जान से जुड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यावसायिक भ्रष्टाचार हेडिंग लगाना है, उसमें लिखना है व्यावसायिक स्तर पर छोटे मोटे व्यापारी से लेकर
बड़े बड़े उद्योगपति मुनाफा कमाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में दूध घी में मिलावट, दाल चावल में पत्थर, मसालों में रंगों की मिलावट, नकली दवाइयां व सस्ती घटिया वस्तुओं के उत्पादन आदि से खबर आदि की खबरें छपती रहती हैं। आज असली व नकली में अंतर कर पाना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे लोग समाज को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। अब हमने ये भ्रष्टाचार के तीन प्रकार लिखे, अब कारण, मुख्य कारण क्या है भ्रष्टाचार को बढ़ाने का, वो लिखते हैं। भ्रष्टाचार के कारण, बढ़ती महंगाई भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण, मतलब बढ़ती हुई महंगाई भ्रष्टाचार का एक कारण है। आज हमारे अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि उन्हें पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार रहते हैं। झूठा दिखावा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ने तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को और पुष्ट किया है। बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी ने आज मनुष्य को हर नैतिक अनैतिक कार्य करने पर विवश कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कार्यपालिका द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए और कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए ताकि बच्चा नैतिक मूल्यों का महत्व बचपन से ही समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति को निजी स्वार्थ त्याग कर अपना नैतिक मनोबल बढ़ाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए ताकि इस वेशीले वृक्ष का समूल नाश किया जा सके। सदाचार को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। अब नीचे वाक्य दो काव्य की लाइनें लिखी गई है, आज हम मिलकर कसमें खाए भ्रष्टाचार को देश से दूर भगाए। बच्चों, हम जब भी निबंध लिखते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं तो वो निबंध लिखते समय आपको क्या करना है, काव्य की कुछ एक पंक्तियाँ या फिर इस तरह से कोई मुहावरा हो या फिर कोई ऐसे वाक्य हो, सुविचार हो, उसका हमें उपयोग करना है। इससे क्या होगा, निबंध जो होता है हमारा आकर्षक बनता है। तो बच्चों, आज हमने ये एक निबंध देखा, भ्रष्टाचार एक विकट समस्या। कल हम कोई दूसरा निबंध उसी के ऊपर, जैसे कि स्वच्छता अभियान हो, कि विज्ञान वरदान अभिशाप हो, प्रदूषण एक विकट समस्या, ये कोई भी हम एक मुद्दा लेंगे। प्रदूषण एक विकट समस्या करीबन मैंने आपको लिखवाया है, तो यहाँ पे हमारे दो निबंध, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।